हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकहत परवीन खान एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज हिस्ट्री। यस, आज से ये पूरा वीक जो है आपको मॉर्निंग 8 AM में हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे इस FTR के सेशन में, ठीक है। और आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री पर होगा, मतलब ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई विल बी डीलिंग टुडे वो पूरे आधुनिक भारत के इतिहास से होंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज FTR सेशन विद अ क्वेश्चन नंबर 1। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1899 में संगठित भारतीय क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का निर्माण किसने किया था। एक ऑर्गेनाइजेशन पूछा है आपसे जो कि एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है मित्र मेला। आप ब्रैकेट में दिया है कि वो पुणे में बनी थी 1899 में, और आपको पूछा है कि बताएं ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी। और आपके ऑप्शंस फ्लैश हो रहे होंगे, बारिंदर कुमार घोष, सावरकर ब्रदर्स, विनायक दामोदर सावरकर और राज बिहारी बोस। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, इसका आंसर होगा बी, सावरकर बंधु। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के आज के सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनके एक्सप्लेनेशन में मूव ऑन करने से मैं पहले बता दूं कि हिस्ट्री के ये जो तीनों ही पार्ट होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट मॉडर्न से पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लेवल पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के आने लगे हैं। जो डार्क एरा आता है, मतलब कह सकते हैं हम जो डार्क फेज होता है हिस्ट्री का, क्योंकि मॉडर्न इज़ अ वेरी पॉपुलर फेज ऑफ हिस्ट्री। नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल नाम, नॉर्मल इवेंट्स तो हर कोई जानता ही है, लेकिन जो डार्क फेज है जिसको ज़्यादा हम एक लेमैन के तौर पर पढ़ते नहीं है, उन पर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री से सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जब भी आप पढ़ाई करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि सिविल सर्विसेज के लिए जो अननोन पार्ट है, जो एक लेमैन नहीं पढ़ता है, उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। सीक्वेंस को ज़रूर याद रखिएगा, इवेंट्स बहुत ही पॉपुलर हैं तो उनकी डिटेल्स में थोड़ी सी जाइएगा। अनलाइक एंशंट में बहुत डिटेल नहीं पूछता है, लेकिन मॉडर्न में जो है वो वैरायटी ऐड करने के लिए डिटेल बहुत ज़्यादा पूछ देता है। सो क्वेश्चन ये वाला एक क्रांतिकारी संगठन से है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है मित्र मेला, और सवाल पूछा है कि किसने बनाया और आंसर हमने लिया सावरकर ब्रदर्स। तो स्वतंत्रता आंदोलनों की लड़ाई के लिए बनाए गए कई क्रांतिकारी संगठनों में से एक संगठन था मित्र मेला। इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो दो भाइयों ने, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम जीडी सावरकर और वीडी सावरकर के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने इसे बनाया था सन 1899 में। यही वाली संस्था जो है बाद में जाकर सन 1904 में, अगर आप देखेंगे तो 1904 में इसका नाम बदलकर हो जाता अभिनव भारत। आपने पढ़ा ही होगा कि अभिनव भारत जो है वो सावरकर ब्रदर्स ने बनाया था, तो एक्चुअली अभिनव भारत का जो इवोल्यूशन हुआ है वो मित्र मेला से ही हुआ है। पुणे में सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला बनाया जो बाद में जाकर के अभिनव भारत बना, और अभिनव भारत की कई सारी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस आपने पढ़ा होगा, वो अभिनव भारत के एक सदस्य ने किया था। सावरकर ब्रदर्स के इन्फ्लुएंस पर ही आपने मदनलाल ढींगरा का जो एक्टिविटी पड़ी थी, जो आपने सुना होगा कि उन्होंने कर्जन वाइली की हत्या की थी लंदन में, ये सारी जो एक्टिविटीज़ आपने अभिनव भारत से सुनी है, इसका ओरिजिन जो है वो मित्र मेला से होता है। सो 1899 में सावरकर बंधुओं ने पुणे में मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन का की स्थापना की, और यही बाद में जाकर अभिनव भारत बनता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आई वोंट बी गोइंग इनटू मच डिटेल्स, और रादर देन दैट हम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें ले लेंगे मॉडर्न के, ठीक है। सो विद दैट लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सही क्रम है, मतलब अगेन ये सिक्वेंसिंग वाला एक क्वेश्चन है, और याद रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री खासतौर पर जो गांधीयन युग होता है 1947 से पहले, 1915 से आप स्टार्ट कर लिया, 1920 से 47 तक के जो इवेंट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ये वाला जो गांधीयन एरा है इसमें सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। उस टाइम की एक्टिविटीज़ काफ़ी फेमस होती हैं, तो डिटेल से ज़्यादा कब कौन सी पहली हुई, कौन सी बाद में हुई, यहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं। एंड यू विल फाइंड मेनी सच क्वेश्चंस गांधीयन एरा में खास तौर पर, जो सीक्वेंस से या क्रम से बनेंगे, और उन्हीं में से एक सवाल है। आपको चार इवेंट्स दिए हुए हैं, दिया है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन और ऑगस्ट ऑफ, और आपको सीक्वेंस जमाना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि तिथि अनुसार कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो कुछ कोड्स दिए हुए हैं आपके, 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, 3 4 1 2,
ठीक, C3412 विल बी द आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा सीक्वेंसिंग से है, और ये जो चार आपके इवेंट्स हैं ये एक्चुअली में कुछ प्रस्ताव हैं जो भारत भेजे गए थे। आउट ऑफ फोर ये जो थ्री हैं जैसे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और अगस्त प्रस्ताव, ये अंग्रेजों द्वारा भेजे गए भारत के लिए समय समय पर कुछ प्रस्ताव हैं। और साइमन कमीशन क्या है? भारत में संवैधानिक सुधारों का सर्वे करने के लिए ये एक कमीशन भारत भेजा गया था जो कि साइमन कमीशन था। बाकी तीन प्रस्ताव हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि पहला दिया हुआ है जो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था सन 1942 में, ठीक। फिर आया है आपका लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। फिर तीसरा है आपका साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन आया बना था 1927 में और भारत आया था 1928 में, ठीक। उसके बाद आया है अगस्त प्रस्ताव लिखा है इसमें क्वेश्चन में, और 1940 में अगस्त ऑफर आया था। तो अगर आप डेट के हिसाब से देखें तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 1927 में साइमन कमीशन बना और 28 में आया, जो भी ले लें, और 1940 में अगस्त ऑफर आया। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले साइमन कमीशन आया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड में आया आपका अगस्त ऑफर, फिर आया आपका क्रिप्स मिशन, फिर आया आपका कैबिनेट मिशन। तो इस हिसाब से आपका जो कोड है 3412 बिल्कुल सही है। आई थिंक मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस आपको थोड़ा बहुत ये बता दूं कि साइमन कमीशन संवैधानिक सुधारों के लिए आया था, सन 1928 में भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन जो है भारत में जो स्वतंत्रता की मांग हो रही थी उस वजह से लाए गए थे, खासतौर पर अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन 1940-42 के। ये जब भारत में हमें वर्ल्ड वॉर में शामिल करने की लालच दी जा रही थी, आपको सभी को पता होगा कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ चाहते थे अंग्रेज़, और उस वजह से हमें रिझाने के लिए कुछ प्रस्ताव वो भारत भेज रहे थे। और उसी प्रस्तावों की यानी उसी लालच की सिलसिले की पहली कड़ी अगस्त प्रस्ताव था जो 1940 में आया था, जिसमें वो हमें डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार थे। और जब हमने इसे रिजेक्ट कर दिया तो फिर 1942 में क्रिप्स मिशन उसमें भेजा उन्होंने, ताकि हमारा सपोर्ट मिल सके उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और क्रिप्स मिशन में उन्होंने बोला कि हम युद्ध के बाद आपको अंतरिम सरकार और आपके सारे जो डिमांड्स है वो पूरी कर देंगे, लेकिन क्योंकि वो युद्ध उपरांत देना का वादा कर रहे थे इसलिए हमने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। तो अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन तो हमारा सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने लालच के तौर पर भेजा था। कैबिनेट मिशन, इस टाइम तक के अंग्रेज कहीं ना कहीं मन बना लिए थे और भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए ये फाइनल प्रस्ताव था जो 1946 में इन्होंने भारत भेजा था। और मैक्सिमम जो इंडिया की पार्टीज थी इंक्लूडिंग कांग्रेस, उन्होंने इस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया और इसी के तहत बाद में अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान निर्मात्री सभा भी बनाई गई। मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी, रिपीट मोड में आप जाकर सुन सकते हैं कि मैंने क्या क्या एक एक लाइन में इनके बारे में बताया। फिलहाल क्वेश्चन सिक्वेंसिंग से है तो आपको ईयर अच्छे से याद रखना है। अंग्रेजों ने यहाँ पर जो भी चार पाँच इंपॉर्टेंट प्रस्ताव सन 1930 के बाद से भेजे हैं, खास तौर पर यहाँ तो एक अगस्त ऑफर एक एक्सक्लूजन के तौर पर है, मैं अगर कहूँ तो मैकडोनल्ड का प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तो मैकडोनल्ड अवार्ड 1932, फिर अगस्त 1940, फिर क्रिप्स 1942 और कैबिनेट 1946। इनकी सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछता है तो उनको जरूर याद रखिए, ये चारों ही प्रस्ताव थे जो अंग्रेजों ने भेजे थे। इज दैट वेरी क्लियर? सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। सो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, हु बैंड द थ्रोइंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द सी बाय द पीपल ऑफ बंगाल। बंगाल के लोगों द्वारा गंगा एवं समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक किसके द्वारा लगाई गई? और कुछ गवर्नर जनरल वायसरॉय के इसमें नाम दिए और आपको बताना है कि किसने ये प्रथा पर बैन लगाया था। वेलेसली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या जॉन शोर? वॉट विल बी द आंसर? आंसर होगा इसका ए, लॉर्ड वेलेसली। देखिए ये क्वेश्चन गवर्नर जनरल वाइसरॉय से पूछा और हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गवर्नर जनरल वाइसरॉय। लॉर्ड क्लाइव से लेकर के, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लास्ट माउंटबेटन तक आपको सारे क्रम से गवर्नर जनरल वाइसरॉय याद होने चाहिए और कोशिश करें कि उनके टाइम में जो भी एक्टिविटीज़ हुई और उन्होंने जो भी रचनात्मक या डिस्ट्रक्टिव जो भी काम किए उन सब की एक डेटा आपके पास होना चाहिए, उनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। जो भी एक्टिविटीज़ हुई उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, वाइसरॉय कौन था, ये वाला कार्य किसने करवाया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही हैं इस पे से। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन आया है कि हुगली नदी के माउथ पर, मतलब गंगा जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ पर एक प्रैक्टिस चला करती थी बंगाल में कि वहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत नवजात शिशुओं को पानी में फेंक दिया जाता था। जब ये नोटिस में आए गवर्नमेंट के तो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने इस प्रथा पर बैन लगाया था, जिसको आप कह सकते इट वाज अ ट्रेंड ऑफ इन्फेंट सेक्रीफाइस
और वो हुगली नदी वॉज ट्रीटेड एज एन आल्टर जहाँ पे वो सेक्रीफाइस या वो जो त्याग है वो किया जाता था। तो ये वाली चीज़ पर बैन लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था सन 1798 से लेकर 1805, 1798 से लेकर के 1805 के बीच में वेलेजली थे। तो इन्होंने ये जो बैन लगाया था सन 1802 में लगाया था, है ना, इन्फेंट सेक्रीफाइस पर जो बैन लगा था, नवजात शिशुओं के सेक्रीफाइस पर जो बैन लगाया था वेलेजली ने 1802 में लगाया था, वहीं से ये क्वेश्चन है। दैट इज इट। आप याद रखें जितने भी आपके गवर्नर जनरल्स हैं उनके कार्यकाल को और उनके कार्यकाल में हुई गतिविधियों को जरूर याद कर ले, उस पे से क्वेश्चन बनते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपके एक तरफ कुछ ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट्स दिए, कुछ संगठन कुछ आंदोलन दिए हुए हैं और सामने में कुछ स्थापना वर्ष दिए हुए हैं या उसे प्रारंभ करने के वर्ष दिए हुए हैं और आपको सवाल पूछा है इनमें से कौन सा सुमेलित है। इसका मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट मैच्ड है, सही तरीके से कौन सा है, मतलब ऑप्शन कौन सा सही मैच्ड है कौन, और बाकी तीन गलत होंगे, एक सही होगा तीन गलत होंगे। पहला है आपका सत्यशोधक समाज 1875, नायर आंदोलन 1891, आत्मसम्मान आंदोलन 1927 और आपका डिप्रेस क्लास मूवमेंट 1825। व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर होगा बी, नायर आंदोलन 1891। मतलब ये आंदोलन और वो स्थापना वर्ष या उसे प्रारंभ करने का वर्ष सही मैच किया हुआ है, बाकी तीन गलत हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप समझ ही सकते हैं कि जो अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस क्लास्ट यानी कि जो दलित वर्ग होता है या जो पिछड़ा वर्ग होता है उसके उत्थान के लिए आधुनिक भारत के इतिहास में जो आंदोलन चलाए गए, जो संगठन बनाए गए, उससे संबंधित क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चले, बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए गए जो दलितों के उत्थान के लिए, हरिजनों के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए चलाए गए थे और उन्हीं में से चार यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है और आपको पूछा है कि कौन सा वर्ष सही मैच किया। तो इसमें पहला जो है आपका सत्यशोधक समाज है, इसका जो ऑप्शन दिया 1875, ये गलत इसलिए है क्योंकि सत्यशोधक समाज जो है, सत्यशोधक समाज में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ये 1875 में नहीं, ये 1873 में बना था। और सभी जानते होंगे कि ज्योतिबा फुले, या हम इनका एक्चुअली नाम है ज्योतिराव फुले, ये सत्यशोधक समाज जो है 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा बनाया गया था, इसलिए 75 रॉन्ग है। दूसरा जो नायर मूवमेंट है ये बिल्कुल सही लिया हुआ है कि 1891 में ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसे शुरू करने वाले थे रमन पिल्ले, तो ये एकदम करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद जो तीसरा है आपका, ये एक्चुअली में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, ठीक है, मतलब ये आपका आत्मसम्मान आंदोलन, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और सभी आपने सुना होगा कि ये जो बना था, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था वो आपका 1925 में स्टार्ट हुआ था, ई वी रामस्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक्चुअली में जो है ये 1925 में स्टार्ट हुआ था और ये पेरियार जो केरला के सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स में गिने जाते हैं, उन्होंने ये आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया था, तो 1925 में स्टार्ट हुआ था जबकि ऑप्शन में 1927 दिया, इसलिए ये रॉन्ग है। और जो चौथा है आपका डिप्रेस क्लास मूवमेंट है ना, डिप्रेस क्लास मूवमेंट जो है दलित आंदोलन, ये एक्चुअली में जो स्टार्ट हुआ था वो 1924 में, इसे महर मूवमेंट भी बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्या है, सत्यशोधक समाज 1873 में स्टार्ट हुआ, 75 दिया इसलिए रॉन्ग है। दूसरा वाला क्या है आपका, नायर मूवमेंट, तो ये जो नायर मूवमेंट है आपका 1891, बिल्कुल सही है, ये रॉन्ग है, ये सही है। तीसरा वाला आपका आत्मसम्मान आंदोलन, वो 1925 में स्टार्ट हुआ था और इसमें दिया 1927, इसलिए रॉन्ग है। चौथा वाला आपका डिप्रेस क्लास मूवमेंट 1924 में स्टार्ट हुआ था, इसमें 1825 दिया हुआ, इसलिए ये रॉन्ग है। और इसलिए आपका सही करेक्ट जो मैच है वो ये है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो शॉर्ट में बताया कि आंदोलन किसने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, उसे भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। और इनके अलावा और भी कुछ संगठन और आंदोलन जो दलितों से संबंधित, उनके उत्थान संबंधित है, उनकी भी लिस्ट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। विद दैट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, और आपके ऑप्शन है लाहौर 1929, कलकत्ता 1928, कराची 1931 और मद्रास 1927। व्हाट विल बी द आंसर?
सो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कराची अधिवेशन 1931, और ये सवाल गांधी इरविन समझौते से है। गांधी इरविन पैक्ट, 5th of March 1931। गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, और ये समझौता उस वक्त के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन और भारत में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी जी के बीच हुआ था, और इसके अकरेंस का मेन कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और कांग्रेस को न्योता मिला कि आप गोलमेज सम्मेलन में आइए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए। लेकिन हमने यानी कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। इस वजह से मजबूरी में आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से एक समझौता किया 5 मार्च को, जिसको हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। समझौते में बहुत सारी शर्तें थी, जिसमें कुछ शर्तें इरविन ने मानी तो कुछ शर्तें गांधी जी ने मानी। गांधी जी ने शर्त मान ली कि हम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन उसे समाप्त कर देंगे। उन्होंने दूसरी शर्त ये मानी कि हम दूसरे गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने जाएंगे, और हम तीसरी उन्होंने शर्त ये मानी कि हम अंग्रेज़ों द्वारा इस अभियान में यानी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में की गई क्रूरताओं के खिलाफ कोई भी जाँच आयोग नहीं बनाएंगे। आउट ऑफ मैनी क्लॉजेज मैं ये 2-3 ही बता रही हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। गांधी जी ने ये शर्त मान ली। लॉर्ड इरविन ने भी हमारी कुछ शर्तें मानी, जैसे कि उन्होंने नमक कानून हटा दिया जाएगा ये कहा, शराब और अफीम की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी उन्होंने। उसके अलावा कांग्रेसियों की जब्त संपत्तियों को वापस लौटाने का भी ऐलान कर दिया गया, और हिंसा में लिप्त दोषियों को छोड़कर शेष सभी भारतीय कैदियों को रिहा कर देने की बात भी उन्होंने मान ली। और शायद आप जानते होंगे कि ये वाला जो लास्ट मैंने लाइन बोली अभी, ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल शर्त दी जो गांधी जी ने रखी थी और इरविन ने मानी थी। और इसी के बाद 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी, क्योंकि वो लोग हिंसा में लिप्त दोषी थे और इस शर्त के मुताबिक उन्हें छोड़ने के लिए बात नहीं हुई थी। तो गांधी इरविन समझौता इसी लास्ट शर्त की वजह से काफ़ी विवादों में भी रहा। लोगों ने गांधी जी का बहिष्कार किया, उनका विरोध किया कि उनके लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया, हिंसा में लिप्त दोषियों वाला क्लॉज लगाने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगी। गांधी इरविन समझौता हुआ, और जैसे कि ये बात करार की गई थी कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे, इस चीज़ के लिए एक औपचारिक मंजूरी की ज़रूरत पड़ी। इसी वजह से 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन जो था उसमें फिर गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई, और ये कराची अधिवेशन भी विवाद में इसलिए रहा क्योंकि इस अधिवेशन में ही, क्योंकि 23 मार्च को लोगों को फांसी हुई थी, इस वजह से गांधी जी का काफ़ी विरोध हुआ था 29 मार्च 1931 में कराची अधिवेशन में। हालांकि कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दे दी गई, और इसी अधिवेशन में मंजूरी मिलने के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई थी, पार्टिसिपेट उसने किया था। ठीक है, सो दैट वाज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट गांधी इरविन पैक्ट एंड कराची सेशन 1931। और याद रखिएगा, इस सेशन के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इज दैट क्लियर? सो इसका आंसर होगा कराची 1931। विद दैट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, खुदाई खिदमतगार के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस। इनकरेक्ट असत्य कथन बताना है आपको खुदाई खिदमतगार संगठन से संबंधित। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का स्वयंसेवी संगठन था ये। दूसरा है, इसके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तीसरा है, ये संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोकप्रिय हुआ। और चौथा है, इस संगठन को काला कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। एन ईजी क्वेश्चन बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से इसका आंसर होगा डी, इस संगठन को काला कुर्ती के नाम से जाना जाता था, मतलब द ऑर्गेनाइजेशन वॉज नोन बाय द नेम काला कुर्ती। दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी 3 सही हैं। तो देखिए, खुदाई खिदमतगार से ये क्वेश्चन पूछा है। खुदाई खिदमतगार इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब हमारी जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, जो अभी खैबर पख्तून पाकिस्तान में आएगी, वहाँ पर ये आंदोलन चला था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, और इसके जो मेन लीडर थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी भी कहते हैं, उन्होंने ये आंदोलन
खुदाई खिदमतगार संगठन के नाम से चलाया था, खुदाई खिदमतगार। ठीक, तो इस हिसाब से क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही उत्तर पश्चिमी सीमा चलाया था, तो इस हिसाब से जो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है ना कि इसके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान था, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की चीज़ ये दी जाए कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में था, ये भी सही है, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन इस वजह से सही आता है। ठीक, तीसरी चीज़, सो देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ये बता दूं कि ये जो संगठन है खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान ने जो बनाया था हमारे उत्तर पश्चिमी सीमा में, ये ओरिजिनली सुर्ख पोश के नाम से जाना जाता था, और इसे अंजुमन इस्लाह अफागीना के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि सोशल रिफॉर्म फॉर द अफगान्स। ये एक्चुअली वो एरिया जो है अफगानिस्तान का पार्ट था उस वक्त। तो सुर्ख पोश या अंजुमन इस्लाह अफागीना जो है वो एक तरह का सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थे, यानी कि समाज सुधार संगठन, जिनका मेन उद्देश्य वहाँ पे एजुकेशन यानी शिक्षा का प्रमोशन था और एलिमिनेशन ऑफ ब्लड फियर्ड्स, मतलब कि जो वहाँ पे क्रूरताएं बर्बरताएं वहाँ के अफगानियों के साथ हो रही थी उसे किसी भी तरह से अहिंसात्मक तरीके से बंद करना, ये इस सामाजिक संगठन का मेन काम था। क्या था वो सामाजिक संगठन का ओरिजिनल नाम? सुर्ख पोश, या मैंने कहा अंजुमने, मैं यहां लिख दे रही हूं, अंजुमने इस्लाह अफागीना, अंजुमने इस्लाह अफागीना या सुर्ख पोश नाम से ये ओरिजिनली बना और एक तरह का शिक्षा का विस्तार करने के लिए संगठन बना था, हिंसात्मक तरीकों पर ये चलता था। तो धीरे धीरे आकर के ये बाद में 1929 में इस पे पॉलिटिकल रंग थोड़ा ज़्यादा चढ़ने लगा, ये पॉलिटिकल संगठनों से आके मिलने लगाया, और इन्होंने हमारा जो साथ दिया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया था। खुदाई खिदमतगार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी का साथ दिया था, इन्होंने हमारी हेल्प की थी और दोनों ने मिल करके आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जिस वजह से धीरे धीरे करके खुदाई खिदमतगार के जो मेम्बर्स हैं उनका दमन भी अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया था। तो सीधी सी बात है कि इंडिया की मेन लीड पॉलिटिक्स से ये 1930 या 1929 के आसपास आकर जुड़े, और उस वक्त इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ना कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज पॉपुलर इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टार्ट तो अफगानिस्तान में हुआ था वो, पर अपने रीजनल लेवल पर था, वो पॉपुलर जो हुआ वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूरे भारत में पॉपुलर हुआ। ठीक, तो इस हिसाब से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो सही है, फोर्थ इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि इसमें काली कुर्ती इन्हें कहा जाता है जबकि इन्हें बोला जाता था लाल कुर्ती। ये जो मैंने लिखा ना सुर्ख पोश, ये वहाँ बोला जाता सुर्ख मतलब लाल, पोश मतलब पहनावा, तो सुर्ख पोश का मतलब होता है रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती। खुदाई खिदमतगार के जो मेंबर्स हुआ करते थे वो लाल कुर्ती धारण किया करते थे, इसलिए उन्हें सुर्ख पोश या लाल कुर्ती बोला जाता था, जबकि इस ऑप्शन में लिखा है कि उन्हें काली कुर्ती कहा जाता था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इज दैट क्लियर? सो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। विद दैट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था इस्तमरारी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अगेन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, असत्य कथन। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस भू राजस्व पद्धति को लागू किया था। दूसरा है इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तीसरा है इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है ये भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया है। क्वेश्चन है एक तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व प्रणाली इस्तमरारी व्यवस्था के बारे में। इसका आंसर होगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे इस भू राजस्व पद्धति को लागू किया था, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स वाला जो पॉइंट है वो गलत है, बाकी तीनों सही हैं। क्यों है ऐसा, क्या है इस्तमरारी व्यवस्था और वॉरेन हेस्टिंग्स वाला पॉइंट गलत क्यों है? तो ये समझें कि इस्तमरारी व्यवस्था कुछ नहीं है, हम आम भाषा में जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं वही है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट नाम की
एक लैंड रेवेन्यू की व्यवस्था यानी कि भू राजस्व की व्यवस्था स्टार्ट की थी, जिसे ही इस्तमरारी व्यवस्था हम कहते हैं। और सभी जानते हैं कि बहुत सारे उस वक्त की लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आए थे, जैसे कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट। उनमें से ये एक इनिशियल स्टेप था जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल्स ने लिया था। इस व्यवस्था के हिसाब से जो जमींदार थे उन्हें लैंड का ओनर बना दिया गया। स्थाई बंदोबस्त का क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था ये थी कि जो जमींदार थे उन्हें ओनरशिप दे दी गई लैंड का, उन्हें मालिक बना दिया गया और उनको अलाउ कर दिया गया कि आप अपने हिसाब से भू राजस्व को तय करिए। मतलब अंग्रेजों ने ना तय करके जमींदारों को छूट दे दी कि आप अपने हिसाब से लैंड रेवेन्यू तय करिए, आप ओनर रहेंगे लैंड के। और अंग्रेजों ने कहा कि बस इतना है कि 1/11 जो पार्ट है वो आप रखिए और 10/11 जो पार्ट है वो हमें दे दीजिए। आप अपनी जमीन में जिसके ओनर आप होंगे उसमें आप जितना भी रेंट रखते हैं वो आपकी मर्जी, उसका 1/11 हिस्सा आप रखेंगे, मतलब जमींदार रखेगा, और जो 10/11 हिस्सा है मतलब मैक्सिमम जो हिस्सा है वो अंग्रेज रखेंगे। तो ये व्यवस्था को ही हम स्थाई बंदोबस्त कहते हैं, जिसमें ओनरशिप दे दी गई थी। और इस वजह से हुआ ऐसा था कि द लैंडलॉर्ड्स यूज टू स्टाइड ऑन टाउन्स एंड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म दिखने लगा था। कहने का मतलब ये है कि जो जमींदार है अपने मुनाफे को ज्यादा बढ़ाने के लिए 1/11 हिस्से में ज्यादा मुनाफा पाने के लिए वो जो लैंड रेवेन्यू है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया करते थे, और इस वजह से जो किसान है उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता था, क्योंकि ओनरशिप दे दी गई तो अपने हिसाब से मनमाने तरीके से लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया करते थे। तो एक तरह का कह सकते हैं भू राजस्व व्यवस्था जो उस वक्त आती है उसमें का एक सिस्टम था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को मेंशन करने की वजह ये थी कि इस टाइम पे ना सिर्फ स्थाई बंदोबस्त जबकि महलवाड़ी या रैयतवाड़ी जो भी दूसरे सिस्टम्स थे लैंड रेवेन्यू के यानी भू राजस्व के, उन्हें भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि किन के समय में आए और ये तीनों सिस्टम्स थे क्या, इनके अधीन क्या कुछ हुआ। भू राजस्व से संबंधित ये क्वेश्चंस भी आते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसमें देखिए जो मैंने इसके बारे में डिटेल्स बताए उस हिसाब से हमने जो ऑप्शन लिया इसमें लिया ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व पद्धति लागू की, तो वो बिल्कुल गलत है। इस वजह से ये क्योंकि इसका जो डी ऑप्शन है ना कि भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दी है, तो उसका ऑपोजिट दिख रहा है। तो ये भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने, इसलिए स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट डी जो है वो राइट है। स्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है वो तो मैंने आपको कहा ही, जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी इस्तमरारी व्यवस्था को जाना जाता है। जो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट है वो राइट है, फर्स्ट रॉन्ग है। कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने नहीं किया है। इज दैट क्लियर? विद दैट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक मुकदमे के खिलाफ भारत की तरफ से बचाव पक्ष में शामिल व्यक्ति कौन कौन थे। आपको डिफेंस में जो लॉयर्स थे इंडिया की तरफ से उनके नाम को आइडेंटिफाई करना है। आउट ऑफ द गिवन 5 ऑप्शंस, किसने किसने डिफेंस लॉयर्स के तौर पर सर्व किया था, इंडिया की तरफ से किसने डिफेंड किया था? भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपको अगेन कुछ कोड्स दिए हैं 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 एंड 1, 3, 4। क्या होगा इसका आंसर? बहुत फेमस इंसिडेंट है। इसका आंसर होगा ए 1, 2 एंड 3, यानी भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। इन तीनों ने इंडिया के तरफ से INA के डिफेंस लॉयर्स के तौर पर सर्व किया था। तो भाई ये जो क्वेश्चन है आंसर होगा 1, 2, 3, है ना। ये जो क्वेश्चन है नवंबर 1945 के रेड फोर्ट ट्रायल्स, मतलब कि लाल किले मुकदमे पर बनाया गया क्वेश्चन है ये, जिसे हम INA ट्रायल्स भी बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। इसके तीन अभियुक्त PK सहगल, उसके अलावा गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, PK सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और तीसरे शहनवाज खान, ये तीनों इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स थे जिनके ऊपर ये लाल किला मुकदमा सन 1945 में चला था। ईयर भी अच्छे से याद रखिएगा। इन तीनों के ऊपर आरोप था टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द किंग एम्परर, इन्हें कहीं ना कहीं लोगों को एम्परर के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, क्राउन के खिलाफ भड़काना और उनके खिलाफ एक युद्ध की योजना बनाना, उसके लिए इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। और इस आरोप में ऐसा हुआ था कि इनको कन्विक्ट भी साबित कर दिया गया था, लेकिन लोगों के गुस्से की वजह से
एजिटेशन की वजह से मजबूरी में आकर के अंग्रेजों को अपना जो कन्विक्शन है वो वापस लेना पड़ा, यानी इन्हें अपराधी करार दे दिया गया था, लेकिन लोगों के फोर्स में आकर, प्रेशर में आकर इन्हें यानी अंग्रेजों को इनके ऊपर के आरोप वापस लेने पड़े। तो यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं इनके तरफ से लड़ने वाले लॉयर्स ने, जिन्होंने इनका केस डिफेंड किया था, और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा है कि बताइए आज़ाद हिंद फौज के इन अभियुक्तों के लिए डिफेंस लॉयर्स कौन कौन थे। तो देखिए जो तीन दिए हैं ना, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, ये थे। इनके अलावा अरुण आसिफ अली और मोहम्मद अली जिन्ना, इनके भी नाम याद रखिएगा, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुण आसिफ अली और मोहम्मद अली जिन्ना, ये पांच मेन लोग थे जिन्होंने इनका ये मुकदमा डिफेंस के तौर पर लड़ा था, लाल किला मुकदमा 1945। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है 1, 2, 3 करेक्ट होगा। ठीक, विद दैट नॉलेज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया हाउस के संबंध में सत्य कथन नहीं है। आपको अगेन एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, इंडिया हाउस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको असत्य कथन बताना है। 1905 में स्थापना हुई इसकी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा। तीसरा स्टेटमेंट है इंडिया हाउस में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम द इंडिया हाउस था। और चौथा है वीडी सावरकर, मदन लाल ढिंगरा इससे जुड़े व्यक्तित्व थे। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, इंडिया हाउस में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम द इंडिया हाउस है। क्यों होगा ये इसका आंसर? तो देखिए पहले तो समझे कि क्या है ये दौर है, प्रथम चरण क्रांतिकारी आंदोलनों का 1905 से 1915 के बीच, जिसमें भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बने थे, बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। तो सर 1905 में ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी आंदोलन या गतिविधि चली थी लंदन में, वहां पे एक क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पहले तो इंडिया होम रूल लीग बनाई लंदन में, और उसके बाद उसी संगठन से उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक पत्रिका निकाली, और उसके बाद फिर उसी साल उन्होंने इंडिया हाउस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो पहले इंडियन होम रूल लीग बनाया उन्होंने, फिर उसी साल उन्होंने इंडिया हाउस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक पत्रिका निकाली। और इनके जरिए, इन कह सकते हैं इन पत्रिकाओं के जरिए और ये इंडिया हाउस नाम के संगठन के जरिए वहाँ पर वो एक जो रेवोल्यूशनरी विचारधाराएँ हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे लंदन में। मदन लाल ढिंगरा और जो सावरकर ब्रदर्स हैं वो भी संस्था से जुड़े थे पूरी तरह से, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे एक तरह के लिंक के तौर पर, वो लोग इसमें स्थापित थे। और आपको पता होगा उसके बाद जो 1909 की घटना मैंने इसमें इसी वीडियो में पहले भी बताई कि मदन लाल ढिंगरा ने कर्जन वाइली की हत्या की थी, वो भी कहीं ना कहीं इसी संगठन के प्रभाव में थे। लंदन में ही वो हत्या हुई थी कर्जन वाइली की, जो मदन लाल ढिंगरा ने की थी। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना कि वी डी सावरकर और मदन लाल ढिंगरा इससे जुड़े थे, बिल्कुल सही। तो ये एक्चुअली में क्रांतिकारी थे, लंदन में इनका केंद्र था और इंडिया के क्रांतिकारियों से इनका लिंक था। ठीक, तो बाद में 1906 में ऐसा हुआ कि क्योंकि इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी लंदन में, तो इनको बैनिश कर दिया गया और ये चले गए पेरिस। और पेरिस में फिर वहां पे मैडम भीकाजी कामा के सहयोग से यूरोप में फिर क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। तो इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्वेश्चन है इंडिया हाउस से रिलेटेड। तो भाई पहला स्टेटमेंट कि 1905 में बना, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इंडिया हाउस नाम की पत्रिका थी वो गलत है, पत्रिका का नाम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थाना की इंडिया हाउस, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और चौथा स्टेटमेंट है कि सावरकर और मदन लाल ढिंगरा से जुड़े हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द ऑप्शन नंबर सी, द इंडिया हाउस। ठीक है, सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, होम रूल आंदोलन के संबंध में सत्य कथन बताएं। होम रूल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है ये, और आपको ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तिलक होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1915 में हुई। एनी बेसेंट का होम रूल 1916 जुलाई में शुरू हुआ। तिलक होम रूल की 5 शाखाएं थी और एनी बेसेंट होम रूल की 200 शाखाएं खोली गई। और आपको यहां पे इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है होम रूल आंदोलन से संबंधित। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, एनी बेसेंट
होम रूल की 200 शाखाएं खोली गई। मतलब ये करेक्ट है कि यस देवर 200 ब्रांचेस ऑफ एनईबी सिंस होम रूल मूवमेंट। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सन 1916 में स्टार्ट हुए होम रूल मूवमेंट से है। काफी फेमस पार्ट है ये होम रूल आंदोलन, जो कि आयरलैंड से प्रभावित एक आंदोलन था। आयरलैंड का प्रभाव था इस पे। एनी बेसेंट ने मेन इसका आइडिया लाया था और इसकी मेन डिमांड थी कि भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। भारत में औपनिवेशिक स्वराज की मांग होने के लिए ये मूवमेंट लाया गया था। आयरलैंड से प्रभावित मूवमेंट था, एनी बेसेंट का मेन आइडिया था। लेकिन इसमें दो हिस्से थे इसके, एक इंडियन होम रूल लीग था जो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में था, इंडियन होम रूल लीग जिसका हेडक्वार्टर पुणे था, और दूसरा एनी बीसेंट की अध्यक्षता में था जिसका हेडक्वार्टर अडयार मद्रास था। तो ये 1916 का था ना, अडयार मद्रास था। तो ये दो शाखाएं थी एक्चुअली होम रूल लीग की। और याद रखिएगा कि ये जो बाल गंगाधर तिलक का इंडियन होम रूल लीग था इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में, और ये जो एनी बीसेंट का था इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1916 में। मतलब पहले तिलक का बना था फिर एनी बीसेंट का, अनडाउटेडली ये तो सही है, पर अप्रैल 1916 में तिलक का होम रूल लीग बना और सितंबर 1916 में एनी बीसेंट का बना। इनका हेडक्वार्टर पुणे था, इनका हेडक्वार्टर मद्रास का शहर अडयार था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसकी मेन डिमांड जो थी वो थी डोमिनियन स्टेटस। और जो तिलक का होम रूल लीग था जिसे हम इंडियन होम रूल लीग कह रहे हैं, इसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, और रेस्ट ऑफ इंडिया जो था उसमें एनी बीसेंट इस ऑल इंडिया होम रूल लीग के जरिए से इस मूवमेंट को चला रही थी। मैं बार बार जो रिपीट कर रही हूँ उसको याद रखना, इंडियन होम रूल लीग IHL बाल गंगाधर तिलक और ऑल इंडिया होम रूल लीग एनी बीसेंट। महाराष्ट्र वाले प्रांत में बाल गंगाधर तिलक एक्टिव थे और रेस्ट ऑफ इंडिया में एनी बीसेंट एक्टिव थी। एनी बीसेंट की 200 शाखाएं थी और बाल गंगाधर तिलक की 6 शाखाओं में बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे आंदोलन और 200 में ये चला रहे थे। तो ये कहानी थी होम रूल आंदोलन की। और इस वजह से अगर हम इसका स्टेटमेंट एनालिसिस करें कि तिलक होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1915 में हुई तो गलत है। ठीक है, उसके बाद एनी बीसेंट होम रूल आंदोलन 1916 जुलाई में हुई, गलत है क्योंकि सेप्टेम्बर में हुआ। फिर होम रूल जो तिलक का होम रूल था उसकी 5 शाखाएं थी, गलत है क्योंकि 6 ब्रांचेस थे। और चौथा ये कि एनी बीसेंट की होम रूल की 200 शाखाएं थी वो सत्य कथन है। ठीक, तो ये जो दूसरा फेज चल रहा था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज चल रहा था यहाँ से, फिर गांधीयन फेज इसके बाद से स्टार्ट होता है, उस दौरान का एक आंदोलन है जो आयरलैंड से प्रभावित था, उस पर एक प्रश्न बना था। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में सत्य कथन बताएं। तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर। एक क्वेश्चन है, 1895 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने, 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन ये सम्मिलित हुए, अध्यात्मवाद के अपनाने एवं भौतिकवाद का त्याग करने पर इन्होंने बल दिया, और आपके कुछ कोट्स दिए हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन और उपरोक्त सभी। आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, केवल दो। मतलब 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ये सम्मिलित हुए थे, ये स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम रीसेंट में अगर आप देखेंगे तो हमने 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद के बर्थ डेट के उपलक्ष्य में उन्हें उसे कमेमोरेट करने के लिए यूथ डे सेलिब्रेट किया, युवा दिवस सेलिब्रेट किया, और उन्हीं के ऊपर से ये प्रश्न आज आपके सामने हाजिर है। तो स्वामी विवेकानंद आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत में कई समाज सुधारक रहे और उनमें से एक उल्लेखनीय नाम स्वामी विवेकानंद का था। उन्होंने अपने कई सारे विचारधाराओं से आधुनिक भारत में कई सारे सामाजिक सुधारों को अंजाम दिया, और इन विचारधाराओं से ओत प्रोत इनका एक संगठन था रामकृष्ण मिशन। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था सोशल रिफॉर्म्स के लिए, और ये मिशन उन्होंने 1897 में स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन।
जिसके जरिए उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स पर बल दिया और सोशल एविल्स पर अटैक किया था। ठीक, और उनका ये मेनली मानना था कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद जो है उसका संतुलन बना करके हमें जीवन जीना चाहिए। इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना कि अध्यात्मवाद के अपनाने एवं भौतिकवाद का त्याग करने पर बल दिया, तो बिल्कुल गलत है। ये अनलाइक दी कन्वेंशनल थिंकर जो कहते थे कि अगर आप अध्यात्म पर फोकस करते हो तो भौतिकवाद को आप त्याग दीजिए, ये ऐसे विचारधारा वाले नहीं थे। इनका ऐसा था कि अगर स्पिरिचुअलिज्म इम्पॉर्टेंट है तो मटेरियलिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों का संतुलन बनाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी इंसान व्यक्तिगत तौर पर भी तरक्की कर सकता है, सामाजिक तौर पर भी तरक्की कर सकता है। तो अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का संतुलन यानी मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बैलेंसिंग पर उन्होंने फोकस किया था, और ऐसी ही कुछ थ्योरी लेकर के 1893 में ये विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो गए थे। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में, और काफ़ी ज़्यादा ख्याति उनको वहीं से प्राप्त हुई थी, और वहाँ पर उन्होंने भारत को एक नदी के तौर पर बताया था जहाँ पर कई कई सारी दरियाओं के पानी एक साथ बहते हैं। ठीक है, और उस वजह से स्वामी विवेकानंद काफ़ी पॉपुलर फिगर वहाँ पे हुए थे। आपको शायद शिकागो धर्म सम्मेलन की कई सारी बातें पढ़ी होंगी, आपने सुनी होंगी। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना कहूँ मैं कम है, बहरहाल उनसे जुड़ा है प्रश्न है, और प्रश्न में जो चीज़ें मैंने कही उन्हीं में से कुछ चीज़ें आती हैं। 1895 में रामकृष्ण की स्थापना की, मिशन की स्थापना की, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। ठीक, 1893 में शिकागो गए थे, ये बिल्कुल सही, शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में गए थे, इसलिए स्टेटमेंट हमने सही लिया है। और अध्यात्मवाद के अपनाने एवं भौतिकवाद का त्याग करने पर बल दिया, ये गलत है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने कहा कि दोनों के संतुलन पर इन्होंने बल दिया था, ना कि एक को त्यागने पर। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। Is that clear? Now let us move on to the last question of our today's FTR session. Question number 12. So, आपका last question, question number 12 है, धर्म सभा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? Again, ये एक social organization के ऊपर सवाल पूछा है और आपको सही statement बताना है। इसकी स्थापना राधाकांत देव द्वारा 1830 में हुई। ये एक रूढ़िवादी संस्था थी। इस संस्था ने सती प्रथा समाप्ति एवं पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और बालिकाओं की शिक्षा का भी विरोध किया। ये आपके चार स्टेटमेंट्स दिए और कुछ कोड्स दिए, केवल एक, दो और तीन, एक और चार, उपरोक्त सभी, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि सही कौन सा है, सत्य कथन कौन सा, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है आउट ऑफ फोर? यस, सभी सही है, उपरोक्त सभी, यानी जो आपका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन अगेन एक मैंने कहा जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। ये क्वेश्चन जो है ये 1830 में राधाकांत देव द्वारा बनाए गए धर्म सभा से है, जो कि एक कंजर्वेटिव हिंदू सोसाइटी को बिलोंग करते थे, और उस वक्त समाज में हो रहे सुधार जो कि लिबरल और रेडिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे सोसाइटी में उस दौर में, उसके खिलाफ थे। यानी रूढ़िवादी एक तरह की संस्था थी जो उस वक्त हिंदू समाज में हो रहे अंग्रेजों द्वारा या भारतीय समाज सुधारकों द्वारा हो रहे सुधार के विरोध में थे, और इन लोगों ने कई सारे जो सिस्टम्स थे जो उस वक्त चेंज हो रहे थे उसके खिलाफ एक तरह की मुहिम छेड़ी थी। जैसे कि उस वक्त जो पाश्चात्य संस्कृति थी, यानी जो वेस्टर्न उस वक्त कल्चर को इंडिया अपना रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी थी। उसके अलावा सती प्रथा जो है, सती प्रथा की समाप्ति के ऊपर एक मुहिम थी, तो उसके खिलाफ ये लोग थे। इनका कहना था कि जो चीज़ें धर्म में है आप उसे मत बदलिए, इसलिए नाम धर्म सभा दी गई थी इसकी। तो जो धर्म में है उसे आप मत बदलिए, सिर्फ इसलिए कि आप समाज सुधारना चाहते हैं, आप तो धर्म को बदलना चाह रहे हैं, ये इनकी मेन सोच थी। तो इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी जो रिफॉर्म्स हो रहे थे ना, उसका भी विरोध किया। आप समझ पा रहे हैं कि क्या बोल रही हूं मैं? जो समाज सुधार हो रहे थे उन समाज सुधारों का ये विरोध कर रहे थे। सती प्रथा समाप्ति के लिए रिफॉर्म्स हो रहे थे उसका ये विरोध कर रहे थे। फीमेल एजुकेशन के लिए कदम उठा रहे थे कई समाज सुधारक, उनका ये विरोध कर रहे थे। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई लोग आगे आ रहे थे, उनका ये विरोध कर रहे थे। तो एक तरह का रूढ़िवादी संस्था थी, कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, एक कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन था जो उस वक्त रेडिकल रिफॉर्म्स के विरोध में था। 1830 में ये धर्म सभा का जो
फाउंडेशन है, ये एस्टैब्लिशमेंट है, वो कैलकाटा में राधाकांत देव ने किया था। तो उसी पर से क्वेश्चन है और सारे स्टेटमेंट्स जो मैंने अभी बोले उसमें से आप देख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना राधाकांत देव ने 1830 में की, बिल्कुल सही। ये रूढ़ीवादी संस्था थी, कंजर्वेटिव थी, कन्वेंशनल थी, बिल्कुल सही, ट्रेडिशनल सोच वाली थी। इस संस्था ने सती प्रथा समाप्ति एवं पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था, बिल्कुल सही। सती प्रथा भी समाप्त नहीं होना चाहिए और वेस्टर्न एजुकेशन भी इंडिया पर हावी नहीं होना चाहिए। और बालिकाओं की शिक्षा का भी विरोध किया था, फीमेल एजुकेशन का भी इन्होंने विरोध किया था। इज दैट क्लियर? इस वजह से उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, सो दैट इज इट विथ फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फॉर टुडेज एफटीआर। वी विल मीट टुमारो एट 8 AM शार्प विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।